बना है, निर्माण है, महाविद्यालय का निर्माण है, वो संस्थापक सचिव हैं, उन्हीं के द्वारा यह महाविद्यालय हमारे इंटर कॉलेज निर्मित है। साथ ही वो हमारे नड़हन जो है कंस्टेंट कॉलेज आपका है, उसके भी संस्थापक सचिव रह चुके हैं। उन्होंने गढ़हरा में भी कई जगह दान दिए हैं, हमारे मेघौल में भी कई संस्था में उन्होंने अपना दान किया है। नमस्कार, मैं अंकित कुमार, आप देख रहे हैं बीटी न्यूज़ बिहार। अभी हम यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ पे कुछ हम ज़्यादा भीड़ देखे, प्रशासन था, यहाँ के मुखिया जी थे, तो हम आ गए यहाँ का कुछ वीडियो बनाने के लिए, आपको हम दिखाते हैं। तो अभी हम मेघौल पंचायत के ठकुरबाड़ी पे आए हुए हैं। आइए इधर हम थोड़ा आपको ठकुरबाड़ी का सीन दिखा रहे हैं। यहाँ आइए, यहाँ पे पहले भगवान का दर्शन कर लीजिए आप लोग, उसके बाद हम यहाँ के महंत जी से बात करके कुछ आपको दिखा रहे हैं। अपना नाम बताइएगा सर। महंत कन्हैया दास जी। तो आज यहाँ पे क्या है सर जी? ये बरखी है पचमा। महंत जी का नाम क्या था? महंत रामाकांत दास। तो मालूम चला है कि ये MRD कॉलेज उन्हीं का दिया हुआ है। सब चीज़ उन्हीं का। चलिए, तो मतलब ये कहाँ सिर्फ मेघौल के आदमी खाते हैं या और कहीं के? नहीं, मेघौल बदलिया बहुत जगह का, बहुत जगह के आदमी आते हैं यहाँ पे खाने के लिए। ठीक है, और हम यहाँ पे और महंत जी हैं, उनसे हम बात करके आपको दिखा रहे हैं। अपना नाम बताइएगा महंत जी। महंत बजरंगी दास। कहाँ के आप हैं? पचगाँव बोसरा। तो वहाँ पे आपका क्षेत्र होगा? हाँ। कितना क्षेत्र आपका है वहाँ पे? वो तो जैसे सेवकान होता है तो 10-20 गांव जो अगल बगल के होते हैं, सब सेवक सती सब होते हैं। तो वहाँ पे आपसे सब संतुष्ट रहता है, वहाँ के जितने जनता हैं? हाँ, लगभग। कोई दिक्कत वहाँ पे? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे आप आए किस लिए अभी? बुहा सरकार थे स्वर्गीय रामाकांत दास जी महाराज, उनका आज जो है सुमत 5वां बरखी है, उसी के शुभ अवसर पर आए। तो आप फोटो यहाँ दिखा दीजिए, जो महंत जी थे यहाँ के सबसे पहले, वहाँ का फोटो देख लीजिए। और यहाँ पे अभी इनका बरखी है 5वां। ये MRD कॉलेज जो यहाँ पे मेघौल पंचायत में जो MRD कॉलेज है, भूमिदाता यही थे जो हमें मालूम चला है सुनने में। और अभी हम और कुछ यहाँ पे महंत जी हैं, उनसे बात करके आपको हम दिखा रहे हैं। यहाँ के आप वीडियो दिखाइए। और इधर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ मेघौल, बिदुलिया, खुदावंतपुर, बहुत जगह 3-4 गांव है यहाँ पे जो आज महंत जी के बरखी पे खाना खाने के लिए आएंगे। तो यहाँ पे अभी खाना का व्यवस्था चल रहा है, यहाँ अभी हम दिखा रहे हैं आपको कुछ वीडियो। अभी देखिए यहाँ पे खाना बन रहा है। अभी हम आप महंत जी से बात करके दिखा रहे हैं। महंत जी, अपना नाम बताइए। महंत जय नारायण दास। आप कहाँ के हैं? लालपुर। लालपुर के? सिर्फ लालपुर के? सिर्फ लालपुर सर होगा कि और वहाँ पे कुछ ज़्यादा गांव होगा? हाँ, बहुत गांव है। आप वहाँ गांव के मतलब वो देखभाल करते हैं? हाँ। आपसे जनता वहाँ पे पूरा खुश है? पूरा खुश है। कोई दिक्कत तो नहीं होता? दिक्कत नहीं। अभी महंत जी के बरखी में आप आए हैं, तो आज भर रहिएगा कि चले जाइएगा? फिर चले जाइएगा। ठीक है, धन्यवाद। और हम बात करके दिखा रहे हैं कुछ यहाँ के आदमी से। नाम अपना बताइएगा। मृत्युंजय कुमार सिंह। आप मेघौल के ही हैं? हाँ, हम MRD इंटर कॉलेज के प्रधान सहायक हैं। हम अपने पूर्व संस्थापक सचिव श्री महंत रमाकांत दास जी की 5वीं वार्षिकोत्सव के शुभ अवसर पर यहाँ उपस्थित हुए हैं। वे हमारे MRD इंटर कॉलेज के संस्थापक सचिव रहे, साथ ही महंत रमाकांत दास सुशला ट्रस्ट के वे मुख्य ट्रस्टी थे। उनकी इस 5वीं पुण्यतिथि पर हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो हमको मालूम चला जैसे महंत रमाकांत दास जी थे वो भूमिदाता थे, वो सही बात है ना? हाँ, एकदम सही बात है। उन्हीं के ज़मीन पर बना है, निर्माण है, महाविद्यालय का निर्माण है, वो संस्थापक सचिव हैं, उन्हीं के द्वारा यह महाविद्यालय MRD इंटर कॉलेज निर्मित है। साथ ही वो हमारे नड़हन जो है कंस्टेंट कॉलेज आपका है, उसके भी संस्थापक सचिव रह चुके हैं। उन्होंने गढ़हरा में भी कई जगह दान दिए हैं, हमारे मेघौल में भी कई संस्था में उन्होंने अपना दान किया है। तो अभी महंत जी का मतलब कितना गांव महंत जी का है अभी फिलहाल? अभी के महंत जी कौन है? यहाँ के महंत कमंत कन्हैया दास जी हैं। तो कन्हैया दास के देखभाल में कितना गांव है अभी? अभी ये तो नरहन की देख रेख यही करते हैं, मौना की भी ये महंत हैं, ये जो गढ़हरा जो है चल रहा है उसका भी ये महंत हैं, थतिया वगैरह सबका यही देखते हैं। अभी उनकी मृत्यु होने के बाद इनको मुख्य ट्रस्टी के रूप में
हम MRD इंटर कॉलेज का जो ट्रस्ट है महंत रमा कांदा ट्रस्ट का, उनको हम बनाए हैं। तो यहाँ पे मतलब आज महंत जी का 5वां बरखी है, तो सारा देखभाल तो यही करते होंगे? सारा सारा यहाँ का देखभाल, सारा क्रियाकलाप यही करते हैं, एकमात्र यही शिष्य हैं। जैसे हमको पता चला है यहाँ पे पहले से ज़्यादा मतलब सफाई पे भी ध्यान रखा जाता है, गौ पालन भी ज़्यादा हो रहा है, और यहाँ के जनता भी इनसे बहुत ज़्यादा भी खुश है, प्रभावित बहुत प्रभावित है। सक्रिय इनका योगदान रहा है किसी भी संस्था में, कोई भी धर्म कृत्यकारी होते हैं। चलिए, अभी हम मेघोल के ठाकुरबाड़ी पे आए हुए थे, आप लोग यहाँ का वीडियो देख लिए हैं। महंत जी अभी के फिलहाल महंत हैं, महंत कन्हैया दास इनका नाम है, और ये महंत रामाकांत दास का 5वां बरखी है। तो हम आपको इनका वीडियो दिखाएं, तो अब आप लोग समझ रहे होंगे जब महंत रामाकांत दास जी थे तो MRD कॉलेज मेघोल में इन्हीं का दिया हुआ है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पे धर्मस्थल है जो इनमें योगदान दिए हुए हैं। नरहन में यही महंत जी हैं, मेरे हिसाब से लमसम यहाँ पे जैसे बोले हैं लमसम 5-6 गांव का ये महंत अभी यहाँ पे हैं। तो फिलहाल हमारे TV चैनल में जुड़ने के लिए धन्यवाद महंत जी का।